नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। इसरो की तरफ से एक शानदार वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए, जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हुआ है, जिन्होंने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके अलावा भी अदर ट्रेड के लिए वैकेंसी आ चुकी है ना। वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार की जो वैकेंसी है, देखिए ये वैकेंसी कहां की है, NRSE यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहां कहां पर है, देखिए बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता और जोधपुर तथा नई दिल्ली, है ना। पीडीएफ को थोड़ा जूम किया जाए ताकि आपको भी दिखे। ये देखिए बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर और नई दिल्ली, यहां पर ये है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, है ना। इन सेंटर पर ये वैकेंसी आई हुई है। देखते हैं कौन कौन वैकेंसी, मतलब कि इस वैकेंसी में कौन कौन से विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। वहां से आप इस पीडीएफ को दोबारा इसको रीड कीजिएगा और देखिएगा कि ये वैकेंसी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, है ना। टोटल पोस्ट देखिए, पोस्ट किसके लिए, टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए जो टोटल पोस्ट है 32 पोस्ट है। इसको कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई लोचा नहीं, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल सिंपल वैकेंसी है, है ना। ना ही 10th में आपको किसी भी प्रकार का परसेंटेज का रिक्वायरमेंट मांगा गया है और ना ही आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। बिल्कुल अगर आपने आईटी कर रखा है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है, आपके पास एनसीबीटी में आईटी होना चाहिए। किसमें, एनसीबीटी में। तो एससीबीटी वाले विद्यार्थी तो भर नहीं सकते फॉर्म को, है ना। एनसीबीटी, अगर एनसीबीटी से आपने आईटी किया है और साथ में एनटीसी सर्टिफिकेट हो, कौन सी सर्टिफिकेट, एनटीसी सर्टिफिकेट हो। एनटीसी सर्टिफिकेट देखिए उन्हीं विद्यार्थियों को मिलता है जो आईटी एनसीबीटी से करते हैं, या फिर एनसीए नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये आपको सर्टिफिकेट मिल सकती है बिना आईटीआई किए हुए भी, है ना, 10th के बाद भी। जैसे कि हमारी जो एनसीएल है ना, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है, ये 10th के बाद डायरेक्ट आपको अप्रेंटिसशिप के लिए हायर करती है। तो आपके पास 10th हो, 10th के साथ में आईटीआई, या फिर 10th के साथ में एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो भी आप एलिजिबल होंगे, है ना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का। फिर है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए टोटल 9 पोस्ट पर सीट है, क्वालिफिकेशन सेम है। फिर फोटोग्राफी पर कितना है, टोटल 2 वैकेंसी है, है ना। टोटल कितने वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। अब आप यहां से कमेंट करेंगे कि सर इतनी लूज वैकेंसी, इतना छोटा वैकेंसी, हम इसमें क्या ही अप्लाई करें। लेकिन आप मेरी बात को याद रखना, आज आप भले ही ऐसे कह के अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ओवर एज हो जाएंगे, जब आपके घर वाले ये आपसे सवाल पूछेंगे ना कि मैंने आपको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया और इतने पैसे खर्च किए, इतना समय दिया, है ना, लेकिन तुमने इसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया। तो मेरे भाई आपको उस समय ये नहीं आप कह सकते, ये जवाब में आप नहीं बोल सकते कि जिस टाइम पर मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम पर बहुत छोटे छोटे वैकेंसी आया करते थे, ऐसे छोटे मोटे वैकेंसी आया करते थे, इसलिए मैं फॉर्म को अप्लाई नहीं करता था। ऐसे कह करके आप अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते, ना ही पूछने वाले के सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप सीटों पर मत ध्यान दीजिए, आपको ओनली फॉर 1 सीट चाहिए ना सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए भीड़ अगर जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही उस भीड़ से अपने आप को अलग करने में टाइम लगेगा। कम भीड़ है तो कम भीड़ में आप आसानी से, है ना, अपने आप को निखार सकते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी कम है तो भीड़ भी कम होगी, कहने का मतलब कंपटीशन भी कम होगा, है ना, ये रहे। फिर इसके बाद देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, इसके लिए भी वैकेंसी है, है ना। इस वैकेंसी में देखिए फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो है 9 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि 20-22 दिन का समय है ना, 18-20 दिन का समय दिया गया है। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन मैं जरूर आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल ये शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ना। और इसका देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, उसका पीडीएफ बिल्कुल हिंदी फॉर्मेट में करके मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 9
9 तारीख से पहले पहले, 9 दिसंबर से पहले पहले देखिए, फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसका सिलेबस कैसे कैसे होता है, क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाइए। सेशन को एक लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।